इसी तरह याद रख, हर सुल के बाद अदल का
सवेरा तुलू होना जरूरी हुआ करता है। इन फी ज़ालिका लायाती उली अल्बाब, अकलमंदों के लिए जिन्हें मैं बाहर जाए ना जुना उन्हें तो नहीं पता लगता, वो तो बस जिन चौपाया आपने चारे पर नजर आती है, जिस तरह गिद्ध को मुर्दार पे होती है, इस तरह का इंसान उसे तो सिर्फ अपनी जिंदगी में है ना, उससे तो लंबी है ही नहीं। उलुल अलबाब, अकलमंद। हमारे यहां अकलमंद केड़ा है? अकलमंद केड़ा झूठ मुंह बोले, अरे बहुत तेज आजी ओ ना पूछो है, बहुत तेज है, उड़ाइए भी देना बहुत अच्छा, ये अकलमंद है, ये तो शैतान है, ये अकलमंद नहीं। अकलमंद वो है जिसने रब को पहचान लिया, अकलमंद। अल्लाह फरमाते हैं, आओ बताओ अकलमंद कौन है, अकलमंद कौन है? फरमाया अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल बैठा है तब भी मुझे याद कर रहा है, दुनिया अपने नर्म-नाज़ुक बिस्तरों में सो रही है, आराम कर रही है, लेकिन मेरा अकलमंद इंसान बिस्तर में भी चुपके चुपके मुझे याद कर रहा है। रात की तन्हाइयों में याद करने वाला, क़याम और क़ुऊद में याद करने वाला, जब अल्लाह को याद करने वाला ये इंसान बन गया, मेरे रब ने उसे ये एज़ाज़ अता किया कि उसके क़याम और उसके क़ुऊद और उसके सोने को कुरान बना दिया, उसको कुरान बना दिया। अकलमंद इंसान कहता रब्बना, ओ मेरे पालनहार, मेरे दाता, मेरे मुश्किल कुशा, मा खलकता हादा बातिला, ओ मेरे अल्लाह इतना अहम, इतना पुरपेच, इतना बारी, इतना बसी, इतना दिलचस्प नजाम, जहां तूने बगैर मकसद के नहीं बनाया है। मेरे काबिले एहतराम भाई, गुजारिश कर रहा था कि अल्लाह का नबी मुज़क्की आज़म भी, तो चार हैसियतें हो गई ना, मेरा नबी मुअल्लिम भी है, मेरा नबी मुजाहिद भी है, मेरा नबी दाई भी है, मेरा नबी मुज़क्की भी है, और पांचवा किरदार है, और वो पांचवा किरदार ये कि तख्ते मदीना का ताजदार भी तो आमना का लाल है, कि उठे कोई योगी नहीं बोल सकती, किसकी गवर्नमेंट थी नबी अस्सलाम के जमाने में, उन्हें क्या लगा सियासत की गवर्नमेंट, उन्हें क्या लगा हुकूमत की गवर्नमेंट, अल्लाह अल्लाह कह रहे ना। तो गोया तख्ते मदीना का ताजदार भी कौन है, अल्लाह का नबी है, और जो अपनी विरासत को, अपनी खिलाफत को मुंतकिल किया, मदरसे को मुंतकिल किया, जिहाद को मुंतकिल किया, दावत को मुंतकिल किया, तज़किया और खानका को मुंतकिल किया, वहां अबू बकर को खिलाफत से मदीना भी पाता किया, अबू बकर खलीफा बने तो ये पांच चीजों के बने,
उमर बने तो इन्हीं पांच चीजों के खलीफा बने। ये आज जो मजाज है ये कि सियासत को दीन से अलग करो, ये मगरब का मजाज है, ये ईसाइयत की सोच है, मुसलमान की सोच नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि ईसाई को अल्लाह का नबी हजरत ईसा एक हुकूमत बनाकर नहीं बता सके कि हुकूमत कैसे की जाए, होगा ही नहीं। लेकिन हमें तो आका रहमत बिलआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के एक एक पहलू को समझाया। तो मेरे काबिल एहतराम भाई, मेरा ईमान है, विजदान है, जिस तरह मदरसा इबादत, जिस तरह दावत और तबलीग का काम इबादत, जिस तरह जिहाद इबादत, जिस तरह खानकाह इबादत, इसी तरह मुस्तफा की मदनी सियासत का इहया और इस मुल्क के अंदर नजाम मुस्तफा की जिद्दोजहद करना वो भी इबादत। और अगर हमने दो चीजों को लिया, एक को लिया मदरसे को लिया, बाकी को छोड़ दिया, जिहाद को लिया बाकी को छोड़ दिया, सियासत को लिया बाकी को छोड़ दिया, दावत को लिया बाकी को छोड़ दिया, फिर सारी जिंदगी उस वही के दिन गुजारने में और तभी रात होगी सो। लेकिन जिसने मुसलमान ने इन पांचों शोबों को जमा कर दिया, दावत के मैदान में दाई मुजाहिद का मुआविन बन गया, मदरसे का मुआविन बन गया, खानकाह का मुआविन बन गया और तज़किया नफूस के लिए मुआविन बन गया और मदनी सियासत के इहया के लिए मुआविन बन गया। ये एक दूसरे को जब मुआविन बन गए, उस वक्त मुसलमान को इज्जत मिलेगी, उरूज मिलेगा, बुलंदी मिलेगी। और अगर ना हुआ तो खुदा की कसम करके कहता हूँ, दीन तेरा मेरा मुकाबला नहीं। एक मत्ता में देने के लिए एक गेम है, इसीलिए फरमाया कुल्ला बिदो मिनहा जमीया, उतरो जन्नत से उतरो। ये नहीं कि दुनिया में पहुंचाया गया, उतारा गया, तो उतारा कहां जाता है? मैदान में। उतारा कहां जाता है? मैदान में। हम इस वक्त एक मैदान में खड़े हैं और उस मैदान में हमने स्कोर करना है। जिसका स्कोर जितना बढ़ेगा, स्कोर किस तरह करोगे? इम्मा यअतीयन्नकुम मिन्नी हुदा, मेरी किताब तुम्हारे पास आएगी, मैंने तुम्हें दी है हुदा, शैतान को दी है हवा। तुझे दी है हुदा, शैतान को दी है हवा। हवा ये नहीं कि जो हवा पाई सकती है, हवा का मतलब ख्वाहिशात, ख्वाहिशात नफ्सानी। ये शैतान के पास, तेरे पास हुदा, तू इस हुदा के ताबे कर ख्वाहिशात को। मेरा अल्लाह फरमाता है ला खौफुन अलैहिम, दुनिया में तुझे गारंटी देता हूं कि अमन की जिंदगी होगा। आज पाकिस्तान में अमन की जिंदगी है? बोलो ना, अमन है? क्यों नहीं है? कुरान नहीं है, कुरान से हिदायत है। ला खौफुन अलैहिम, तुम्हारे ऊपर कोई खौफ नहीं होगा, भला हम यहजनून, तुम्हारे ऊपर कोई गम भी नहीं होगा कि मेरी आइंदा नस्लों का क्या होगा, ना मुस्तकबिल के आने का खौफ ना माजी का हुज़्न। फरमाया पाकीज़ा जिंदगी दूंगा जब तुम मुकम्मल इस्लाम को लेकर सामने आओगे। लिहाजा मुकम्मल इस्लाम की जिद्दोजहद के लिए अगर हमने कोई किरदार अदा किया, हम कामयाब और कामरान हो जाएंगे। और अगर हमने मुकम्मल इस्लाम के लिए मेहनत न की, किसी एक पहलू को पकड़ा, बाकी दीन को छोड़ दिया, कल मैदान मक्षर में मुस्तफा भी सवाल करेगा, मेरा रब भी पूछेगा, मेरे काबिल एहतराम भाई आज क्या वजह है कि आप नमाज पढ़ने के लिए व्हाइट हाउस, जिसे लोग कहते हैं, जिसे हम ब्लैक हाउस कहते हैं, वहाँ अगर कोई दाई चला जाए, कोई आलिम, कोई मुसलमान चला जाए, वो कहे मुझे जाए नमाज दो, नमाज पढ़नी है, क्या रोकेंगे उसे? रोकेंगे? पता नहीं, बड़े इकराम का नमाज पढ़ो। क्या अमेरिका में नमाज नहीं पढ़ते मुसलमान? रोजा नहीं रखते? अमेरिका में रोजा नहीं रखते? बर्तानिया में रोजा नहीं रखते? बर्तानिया में आपसे बड़े इज्तमात हैं खत्म कुरान के, आपसे ज्यादा खूबसूरत मस्जिदें,
आपसे ज्यादा लोग लंबा रोजा रख रहे हैं, आपका रोजा तो 16 घंटे का, उनका 19 घंटे का रोजा है। किसी हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई है कि तुम रोजा नहीं रख सकते हो, तुम इन अमाल को जिंदा नहीं कर सकते हो। लिहाजा वहां रोजे पे कोई पाबंदी नहीं, नमाज पे पाबंदी नहीं, ज़कात पे पाबंदी नहीं, हज के काफिले जाते हैं कोई पाबंदी नहीं। फिर झगड़ा क्या है? ये फौज लेकर अफगानिस्तान में क्यों उतर आए? इन मिस्कीन तलबा ने क्या जुल्म कर दिया? अमेरिका का क्या बिगाड़ दिया? क्या फंड थी इनको? इनके पास क्या था? इनके पास सिर्फ मुस्तफा का निजाम था, सिर्फ मुस्तफा का निजाम। कुफर नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में कहीं मेरे आका का आगरा निजाम हो।